अब मोटिवेशन के अंदर नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। और जो ये मैस्लो साहब थे, ये थे, इनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो। ये वो थे जैसे कि हमारे न्यूटन साहब ने क्या पता लगाया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ऐसी एक दिन इनको भी क्या हुआ, इन्होंने भी पता लगाई मोटिवेशनल थ्योरी। हुआ क्या जी, एक बार इन्हें बहुत जोरों से भूख लगी, ठीक है, बहुत जोरों से भूख लगी। अब ये जो हंगर थी, ये एक तरीके से कह सकते हो हमारे लिए मोटिव है, क्योंकि जब हंगर है, जब भूख लग रही है बहुत तेज, तो भाई खाने के ना क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं माइंड में, यार ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो बेसिकली ये जो एक नीड है ये अनसेटिस्फाइड हो रही थी इनकी, भाई भूख लग रही है बहुत तेज, इसका मतलब मैं कहूंगी कि एक नीड है जो अनसेटिस्फाइड है। अनसेटिस्फाइड नीड ने एक बिहेवियर जनरेट किया इनके अंदर, खाना ढूंढना है। तो ये गए खाना ढूंढने के लिए, इनकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे उस टाइम, बहुत पुरानी बात है यार, देखो कितनी पुरानी बात है, 1943 की बात हो रही है, तो बहुत पुरानी बात है। तो ये खाना ढूंढने के लिए बाहर निकले। अब जब खाना ढूंढने के लिए बाहर निकले तो कुछ भी मिल जाए खा लेंगे, क्यों, भूख लगी है भाई उस टाइम पे। तो एकदम से ना टेंशन अराइज हो गया कि यार खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए। वैसे ये कभी दाल चावल नहीं खाते थे, जब इन्हें चाहिए तो दाल खाते भी, तो दाल मखनी खाएंगे डोसा खाएंगे। अब यहाँ स्पेसिफिक वाली बात ही नहीं रही, इन्हें एक रेडी दिखी वहां 10 रुपए में, बहुत बढ़िया थाली मिल रही थी, इन्होंने थाली खाई और नीड हो गई सेटिस्फाइड और टेंशन हो गई रिड्यूस। उन्होंने कहा यार कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है, पढ़े लिखे थे मोटिवेशन थ्योरी बना दी। उन्होंने कहा क्या होता है कि जब भी कोई एक नीड अनसेटिस्फाइड होती है ना, तो वो हमारा एक बिहेवियर डायरेक्ट करती है, एक बिहेवियर अराइज करती है, एक सर्च बिहेवियर अराइज करती है कि किस तरीके से अपने उस नीड को सेटिस्फाई किया जाए। और वो जो सर्च बिहेवियर है वो टेंशन क्रिएट करता है माइंड में, कि जब तक वो नीड सेटिस्फाई नहीं होगी टेंशन रहेगी माइंड में। फिर जैसे वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है, सेटिस्फाइड होते ही टेंशन क्या होती आती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर अगली अनसेटिस्फाइड नीड के लिए हम फिर से वो बिहेवियर स्टार्ट करते हैं। तो बस कुछ इसी तरीके से हमारे मैस्लो साहब ने ओवरऑल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को डेवलप किया, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे। तो अपने क्लासिकल पेपर के अंदर 1943 में इन्होंने इस मोटिवेशनल थ्योरी को पब्लिश किया, ठीक है। और ये फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन कही जाती है, यानी कि यहाँ पे बेसिक से लेकर जो हायर लेवल तक की आपकी नीड है वहां तक के बारे में यहाँ पे बात होती है, ठीक है। बट देखो, आप कभी भी कोई थ्योरी पढ़ते हो, कोई भी लॉ पढ़ते हो ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई अजम्पशन होती है, क्योंकि अगर चीजें बदलती रहेंगी तो आप किसी पॉइंट पे किसी आउटकम पे पहुंच नहीं पाओगे। तो इन्होंने भी कहा कि यार कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है हमारी थ्योरी भी। पहली अजम्पशन, दैट पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड, लोगों का बिहेवियर उनकी जरूरतों पर डिपेंड करता है। द सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर, और जैसी वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जब हमारी कोई नीड सेटिस्फाइड नहीं होती हम हैरान परेशान होते हैं, जैसी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हम हमारा बिहेवियर शांत हो जाता है, ठीक है, खुश हो जाते हैं। सेकंड, पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, हमारी जो नीड है ना वो एक हायरार्की में है, हमने अपने नीड को सिक्वेंशियली अरेंज किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक टू द हायर, बेसिक से लेकर हम हायर तक जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, एक संतुष्ट इंसान को कुछ भी मोटिवेट नहीं कर सकता। अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट, मतलब आप एक सेटिस्फाइड पर्सन को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपकी नेक्स्ट हायर लेवल नीड ही आपको मोटिवेट कर सकती है। आज आपने, आपका पहली इच्छा थी कि यार मेरे पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईफोन होना चाहिए, वो आपके पास आ गया। अब आपको लगता है यार मेरे को लेटेस्ट वर्जन ऑफ बाइक चाहिए, बाइक मिल गई तो मुझे यार कार चाहिए, कार मिल गई तो मेरे को बंगला खरीदना है। तो ये आपकी क्या है, नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ नीड ही आपको मोटिवेट करती है। अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड, जब हमारी लोअर नीड सेटिस्फाई होगी ना तब हम हायर पे जाएंगे, जब लोअर ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप हायर पे कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ चार अजम्पशन है हमारे पास जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। अब ये जो नीड्स हैं इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 तरीके की नीड्स होती हैं ये। मैंने यहाँ पे वैसे डिटेल लिख दी है, फिर भी मैं आपको इनके पहले नाम बता देती हूँ। पहली नीड, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। सेकेंड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। थर्ड, एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड। फोर्थ, एस्टीम नीड्स। और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये 5 नीड है फ्रॉम द बेसिक टू द हायर लेवल। तो पहली नीड की अगर मैं बात करूं, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, ये कहता है बिल्कुल बेसिक है। आप खुद सोचो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुए, सबसे पहली चीज, सबसे पहली नीड तुम्हारी क्या होगी, कि मैं जाते ही सीईओ बन जाऊं, क्या, क्यों जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, पैसे के लिए। सैलरी इज द बेसिक नीड,
जैसे हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड्स होती है, ऐसे जब आप कहीं काम करने जाते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एंटर करते हो, तो सबसे पहले आपकी जो कॉमन नीड है, जो मोस्ट बेसिक है आपके हायरार्की के अंदर, जो आपकी प्राइमरी नीड से रिलेटेड है, वो है आपकी बेसिक सैलरी। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर ही करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले सैलरी आती है, उसके बाद इंसेंटिव, तो बात की बात है, ठीक है। सेकेंड, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। यार सैलरी तो मिल रही है बढ़िया, पर तुम्हारी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी तुम्हें निकाला जा सकता है, स्टेबिलिटी नहीं है तुम्हारे इनकम की, आज मिल रहा है पैसा कल नहीं मिल रहा है, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। तो दूसरी नीड यही आज होती है कि हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, एंड इट्स प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल एंड इमोशनल हार्म एज वेल। भाई ऐसा भी ना हो कि किसी ऐसी जगह पे तुम काम करते हो, लड़ाई झगड़े होते रहते हो, फिजिकल मतलब सेफ्टी नहीं है आपकी जिस जगह पे आप काम करते हो, तो वर्कर की सेफ्टी भी होनी चाहिए, हर तरीके से हमें सेफ्टी चाहिए। तो जॉब सिक्योरिटी आता है इसके अंदर, पेंशन प्लान आते हैं, आपके स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन सी नीड है आपकी, सैलरी के बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। जब सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिल गई, तो यार किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतने लंबे समय तक काम करना होता है, 5 से 6 घंटे की जॉब तो हर किसी की होती है एटलीस्ट, तो यार वहां पे बिलोंगिंगनेस भी तो चाहिए। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन तुमको समझता ही नहीं है, वो तुम्हें एक सामान समझ रहा है, क्या हो पैसे छापने की मशीन हो तुम, आओ काम पे लग जाओ, तुम्हारी हेल्थ क्या है, तुम्हारा मेंटल स्टेटस क्या है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी जगह पे काम कर सकते हो क्या, जिस जगह पे तुम्हारा मन नहीं लगता ना, वहां आप काम नहीं कर पाओगे। टेंशन में इंसान कहीं काम नहीं कर सकता, प्रेशर में कहीं काम नहीं कर सकता, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो हमारी तीसरी नीड आती है एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस। एफिलिएशन मतलब अपनेपन का एहसास होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमें अपना मानता है, ठीक। दीज नीड्स इंक्लूड अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप। भाई हमें वहां पे अपनेपन का एहसास होता है, हमने वहां पे अपनी एक फ्रेंडशिप जोन अपने क्रिएट किया हुआ है, तो वहां पर हम लोगों की बातचीत होती है, हमें लगता है कि यार ठीक है, जिस जगह पर हम काम करते हैं वहां हमें कुछ समझा जाता है, हम इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो यहाँ पर आ जाता है। हाँ कम मिल जाए बिल्कुल, बस अब आपको मेरी वो बात समझ में आ गई कि मैं 2 पैसे चाहे कम कमा रही हूँ, लेकिन हर सुबह मैं हंस के काम पे जा रही हूँ। चलो उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल पड़ेगी कैसे आप उनको ये कह सकते हो कि आप उनके अपने हो। जब वो कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो तुमको इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तुमसे बातचीत करके वो डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पे आपको अपनेपन का एहसास होगा ना, ठीक है। फोर्थ नीड आती है एस्टीम नीड। नाम ही बता रहा है कितना वजन है इस नीड के अंदर, एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है कि यार हमें चाहिए रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, हमें फ्रीडम चाहिए अपनी जॉब के अंदर, उसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे काम को पहचाना जाए, हमें रिकॉग्निशन मिले। भाई कहीं से भी तुम गुजर रहे हो तो कोई ये ना कहे कि ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक अलग ही स्टेटस है यार, एक अलग ही पहचान आपको मिल रही है। ग्रुप लीडर अगर आप बनते हो तो ही इज द टीम लीडर, तो ये एक अलग पहचान देता है आपको। तो एस्टीम नीड इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करती है कि जहां पर आपको मिल रहा है रिकॉग्निशन, आपको मिल रहा है अटेंशन, कि लोग आपको पूछ रहे हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर, आपको जनरल मैनेजर की पोजीशन पे बिठाया जा रहा है, तो ये आपके लिए क्या है, एक बड़ा ही प्रेस्टीज वाला, प्रेस्टीज वाली सिचुएशन हो गई ना, कि यार हमें ऐसी पोजीशन मिल रही है, तो ये आती है आपकी एस्टीम नीड के अंदर। हाँ उसके बाद आती है सबसे हायर लेवल ऑफ नीड, और मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि वो बनना जो हम बनना डिजर्व करते हैं। कि ठीक है यार आज ज्वाइन कर लिया ऑर्गेनाइजेशन, एक लोअर लेवल पे ज्वाइन कर लिया है, बट क्या हमेशा यहीं रहना है, नहीं। मैं जब एक स्कूल में घुसी एज अ पीजीटी, तो ये थोड़ी मैंने सोचा था कि यार पीजीटी बन के रहना है। एक कुर्सी थी जिसको मैं रोज जाके देखती हूँ कि हाँ कोई हटे तो मैं पहुंचू वहां तक। हाँ भाई ऑब्वियसली कि मुझे भी क्या चाहिए कि यार मैं सिर्फ पीजीटी बनने लायक थोड़ी हूँ, प्रिंसिपल, ऑर्डर देने लायक हूं मैं। तो ये मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और ये देखो मेरी हायर लेवल ऑफ नीड में काउंट होती है। तो ये मेरी हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है, एंड इट रेफर्स टू द डिजायर टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डिजायर को शो करती है कि अंदर ही अंदर हम चाहते हैं यार कि हम क्या बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये उसको रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम बात करते हैं अपनी ग्रोथ की, सेल्फ फुलफिलमेंट की, और अचीवमेंट ऑफ गोल्स की, कि हमारा एक गोल था हमने वो हासिल कर लिया। तो मैस्लो ने बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी एक इंडिविजुअल की नीड्स को इन 5 नीड्स में कन्वर्ट किया था। कि सबसे पहली नीड उन्होंने बोली बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, कि यार पहली आपकी नीड ये होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको क्या चाहिए, बेसिक सैलरी चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा कहा आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको पैसा तो 2 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है, लेकिन सेफ्टी नहीं है आपकी जॉब की, 2 महीने बाद ही आपको वो बाहर निकाल देंगे,
तो ऐसी जॉब का क्या करोगे आप 6 महीने फिर खाली घूम रहे हो? आपको कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे सैलरी कम मिल रही होगी लेकिन सेफ्टी है, सेफ प्लेस पे काम कर दो, सेफ प्लेस पे। आपको पता है ना आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या क्या हो रहा है, हम सेफ ही नहीं है, इतना कुछ हम आजकल सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं सिर्फ फीमेल्स की नहीं बात करूंगी, मेल्स की भी बात करूंगी इसके अंदर, ठीक है? तो सेफ प्लेस पे काम करना, सिक्योरिटी के साथ काम करना, ये भी बहुत जरूरी है। एफिलिएशन नीड्स, एफिलिएशन नीड्स मतलब देखो कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होने चाहिए अपनी कुलीग्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ। या लड़ाई झगड़ा होता रहता है तुम्हारे हर टाइम, तुम्हारे बॉस के साथ चिड़चिड़ापन रहता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसी जगह पे काम करके भी। तो हमें एफिलिएशन नीड्स भी चाहिए। एस्टीम नीड्स आपके जॉब के टाइटल के बारे में बात करती है। भाई एम्प्लॉयज तो सभी होते हैं, बट जब आपके जॉब को एक टाइटल मिल जाएगा, जब आपकी टेबल पे वो एक टेबल टॉप रखा जाएगा ना, उसके ऊपर आपके डेजिग्नेशन लिखा होगा, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मिस काजोल सैनी, तो ये है हमारी एस्टीम नीड, ठीक है? जॉब टाइटल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जब मैंने अपना गोल हासिल कर लिया, वाइस प्रिंसिपल से शुरुआत करी, प्रिंसिपल तक पहुंच गया, ऑनर बन गया, ठीक है? तो ये क्या है, अचीवमेंट ऑफ दी गोल्स, ठीक है? तो ये थी हमारी मैस्लो की पूरी मोटिवेशनल थ्योरी। और अब हमें पढ़ना है कि मैस्लो ने थ्योरी तो बता दी कि क्या मोटिवेट कर रहा है, बट मोटिवेटर्स क्या है उनके, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है?